अब देखो लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये बता दिया था कि अगर हमें मटेरियल प्रोक्योर करना है ऑप्टेन करना है तो हम कैसे करेंगे क्या उसका प्रोसेस है क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है किस प्राइस पर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ये भी हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दिए थे आज का हमारा कंप्लीट सेशन होगा हाउ इन्वेंट्री इज़ कंट्रोल्ड कि अगर आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो क्या क्या मेथड्स हैं क्या क्या आपके पास ऑप्शनस हैं अपने इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करने के लिखा इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशेंट इन्वेंट्री इज रिटेन टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स नो डाउट इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है आप उस पर प्रॉपर चेक रखियो आप उस पर प्रॉपर कंट्रोल रखियो सो दैट आपको ये पता चल सके कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्वेंट्रीज की तो आपके पास इतनी सफिशेंट इन्वेंट्रीज होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके सिंपली देखो कंपनी का यही मोटिव होता है कि उनको अपने गोडाउन में इतनी इस इतना स्टॉक और इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी होती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं कि उसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की किसी तरह की कोई शॉर्टेज पड़ जाती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो भी हमारे पास इतना मटेरियल होना चाहिए इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना काम ना रोकना पड़े उनका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए क्लियर लिखा इन इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज असेंशियल टू बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉक एंड अंडर स्टॉक देखो दोनों ही सिचुएशन खराब है ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम टेन थाउजेंड के की रिक्वायरमेंट है तो इससे ज़्यादा रखना मतलब आपके कॉस्ट को इनक्रीज़ करना हो गया और इससे कम रखना मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा कहीं ना कहीं उसमें भी आपको लॉस बियर करना पड़ेगा सिंपल है ना अगर मान लो दस हज़ार की जगह बारह हज़ार के हमेशा मेंटेन करो जबकि आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि आपको सिर्फ दस हज़ार की ज़रूरत किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ती है तो ये जो दो यूनिट्स को मेनटेन करने का खर्चा है इसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी पहली चीज़ दूसरी चीज मान लो आपको पता है कि दस हजार के जी आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए और आपने मिनिमम मेंटेन करके रखा है एट थाउजेंड के जी तो ये जो टू थाउजेंड के आपके पास शॉर्टेज है ना इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुकेगा और क्योंकि प्रोडक्शन रुकेगा तो सेल रुकेगी और कहीं ना कहीं उसका भी आपको लॉस बेयर करना होगा तो इन दोनों ही सिचुएशन से आपको बचना होता है आइधर ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर इलेट्रेडेड बिलो तो इन्वेंट्री कंट्रोल हमेशा याद रखना कि सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए चाहिए कि हमारे पास इतनी सफिशेंट इन्वेंट्री होनी चाहिए कि कभी भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की उसको मीट कर पाए अब ओवरऑल इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए चार मेथड है पहला है बाई सेटिंग क्वान्टिटेटिव लेवल्स दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन तीसरा है यूजिंग रेशियो अनालिसिस और चौथा है फिजिकल कंट्रोल एक एक पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल बाई सेटिंग क्वान्टिटेटिव लेवल्स मतलब आपने क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटी टर्म्स में एक लेवल सेट कर दिया है सो दैट कंपनी को जो भी स्टॉक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनको ये बात पता होना चाहिए कि इतनी क्वान्टिटी एटलीस्ट आपको मेनटेन करके रखना है तो इन्वेंट्री कंट्रोल का सबसे पहला मेथड क्या बाई सेटिंग क्वान्टिटेटिव लेवल्स क्वानिटेटिव लेवल्स मतलब इन द टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी की हम बात कर रहे हैं क्लियर और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखोगे ना तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है अब देखो ये सारे लेवल हमने पढ़े हैं री ऑर्डर स्टॉक लेवल री ऑर्डर स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि वेन टू ऑर्डर जब पर्टिकुलरली इस लेवल पर आ जाते हैं ना तो हमें ये पता चलता है ये लेवल ये शो करता है कि आपको दोबारा कब ऑर्डर प्लेस करना है री ऑर्डर क्वान्टिटी हाउ मच टू ऑर्डर कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो कितनी क्वान्टिटी वन टाइम में ऑर्डर करें मैक्सिमम स्टॉक लेवल की कितना मैक्सिमम हमारे गोडाउन में होना चाहिए मिनिमम स्टॉक लेवल एटलीस्ट हाउ मच टू कीप कि कम से कम कितना हम गोडाउन में मेंटेन करके रखें स्टॉक सो दैट कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ना हो एवरेज स्टॉक लेवल की स्टॉक नॉर्मली कैप्ट अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं जैसे हम लोग बैंक में भी पैसा जमा करते हैं तो एवरेज बेसिकली पर डे बेसिस पे नहीं निकलता है वो पर मंथ बेसिस पे निकलता है या ईयर बेसिस पे निकलता है जैसे फ इन केस मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक का मेंटेनेंस है वो हर महीने एक हज़ार अप्रॉक्स होना चाहिए ऑन एन एवरेज वन थाउजेंड होना चाहिए अब किसी महीने आठ सौ है और किसी महीने बारह सौ है तब भी तो ऑन एन एवरेज पर मंथ कितना हो गया वन थाउजेंड स्टॉक आप मेंटेन करो क्लियर तो एवरेज स्टॉक मतलब कि नॉर्मली हमें उतना रखना होता है डेंजर स्टॉक लेवल केप्ट फॉर एमरजेंसी रिक्वायरमेंट डेंजर स्टॉक लेवल ये शो करता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ जाए जैसे आपको कभी ऑर्डर जितना मिल रहा है उससे ज्यादा का ऑर्डर मिल जाए या आप जो रॉ मटेरियल यूज करो वो वो मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कितना मैंटेन करके रखना है एंड बफर स्टॉक टू मिनट टू मीट सडन डिमांड अगेन बफर स्टॉक इस चीज़ को डिनोट करता है कि अगर मार्केट में अब अभी तक मान लो आपके पास जो ऑर्डर आ रहा था टेन थाउजेंड यूनिट्स का आ रहा था अब अचानक से ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स का आने लगे तो उस लेवल के लिए आपको कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक क्लियर तो ओवरऑल अगर देखोगे बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स यहाँ हर में आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सेट कर दी है और उसी के बेसिस पर आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो तो अगेन हम एक बार बता देते हैं कि री स्टॉक लेवल मतलब कब ऑर्डर करना है री ऑर्डर मतलब कितना ऑर्डर करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल की कितना मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है और मिनिमम कि कम से कम स्टॉक गोडाउन में उतना होना चाहिए एवरेज स्टॉक लेवल की ओवरऑल जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करें तो एवरेज हमारा कितना मेंटेन हो डेंजर स्टॉक लेवल तब काम आता है जनरली जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है और इमरजेंसी सिचुएशन मतलब जनरली क्या होती है कि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो जाए एंड लास्ट इज बफर स्टॉक बफर स्टॉक इसको डिनोट करता है कि अगर कोई सडन डिमांड मार्केट में अराइज हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना आपको मेंटेन करके रखना है क्लियर अब बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब तो समझ में आ गया अब इम्पॉर्टेंट इसका फार्मूला क्योंकि एग्जाम में ना इसका फार्मूला पूछता है या उस पर न्यूमेरिकल पूछता है तो एक एक पे हम लोग पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो अब सबसे पहले देखो रीऑर्डर स्टॉक लेवल आर इसका दो फार्मूला है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अच्छा एक पॉइंट समझ लो कि व्हाट इज़ लीड टाइम लीड टाइम क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आज आपने सप्लायर से गुड्स मंगवाया है तो वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं मिंत्रा से करते हैं अमेजन से करते हैं तो वहाँ डिलीवरी पीरियड लिखा होता है कि कितने टाइम पीरियड में वो डिलीवरी दे पाएंगे तो जनरली क्या होता है कि थ्री टू सेवन डेज का टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं कि अगर हमने आज ऑर्डर किया है तो विद इन थ्री टू सेवन डेज हमारे पास डिलीवरी आएगी उसी को हम कहते हैं लीड टाइम तो देखो री ऑर्डर स्टॉक लेवल के लिए पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम और दूसरा फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक को ही हम लोग मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन भी बोलते हैं प्लस एवरेज कन्जम्पन मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम अब कैसे कैलकुलेशन करना है एवरेज कंजम्पशन का कैसे कैलकुलेशन करना है एवरेज लीड टाइम का ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर हमने न्यूमेरिकल भी लिया है तो यहाँ से आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है कि री स्टॉक लेवल का पहला फार्मूला मैक्सिमम से रिलेटेड है और दूसरे फार्मूले में हमने एवरेज यूज़ किया है नेक्स्ट इज री ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ई ओ क्यू ये तो सबको पता है कि ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है अंडर ओ टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट इस पर हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है बस एक पॉइंट देख लो कि कैरिंग कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन में लिखा रहता है ट्वेंटी परसेंट तो ये ट्वेंटी परसेंट आप किसका निकालोगे पर यूनिट प्राइस का क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि आपने एक यूनिट कितने की परचेज़ किया है उसी का ट्वेंटी परसेंट निकालते हैं और उसी को हम कहते हैं सी सी कॉस्ट हमेशा पर यूनिट भी होता है और एन एम भी होता है कई बार अगर ये पर मंथ दिया होगा ना तो उसको मल्टीप्लाई बाय करके आपको पर में कन्वर्ट करना होगा नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है री ऑर्डर स्टॉक लेवल ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम और ये वही फॉर्मूला है जो हमने री ऑर्डर uh, लेवल में लिखा था देखो रीऑर्डर स्टॉक लेवल का ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें हमने लिखा है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम तो अगर हमें सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन करना होगा दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम और यही चीज़ हमने मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में लिखी है नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम एवरेज इन्वेंट्री लेवल निकालने का भी दो तरीका है पहला तो ईजी तरीका है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई टू और दूसरा तरीका है कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू नेक्स्ट इज डेंजर स्टॉक लेवल कि उसके नीचे हम कभी भी अपने इन्वेंट्री uh, को नहीं जाने देंगे एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम की कितना जैसे हमने बोला ना थ्री टू सेवन डेज में हमारी डिलीवरी आएगी तो सेवन डेज क्या है मैक्सिमम लीड टाइम कि उतने टाइम में सप्लायर गुड सप्लाई करेगा तो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम इमरजेंसी पीरियड ये फॉर्मूला था डेंजर स्टॉक लेवल का तो ये जो ओवरऑल छः फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में तो फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेना आप देखो इस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं जहाँ हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन दिया है एवरेज कंजम्पशन दिया है रीऑर्डर पीरियड जिसको हम लीड टाइम भी कहते हैं यो क्यू दिया है अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन में समझो कि ये जो हमारे पास लीड टाइम दिया है तो दो हफ्ता क्या है मिनिमम लीड टाइम और फोर वीक क्या है मैक्सिमम लीड टाइम क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं टू प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू अगर करेंगे दैट इज थ्री तो ये थ्री क्या है एवरेज लीड टाइम क्लियर और एवरेज को ना हम लोग नॉर्मल लीड टाइम भी कहते हैं ऐसे ही देखो हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन दिया एवरेज कंजम्पशन दिया है. क्या हम मैक्सिमम कंजम्पशन निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं देख लो यहीं अभी बता दे रहे हैं कि एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टू तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेल्व थाउजेंड क्लियर तो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है बारह हज़ार मिनिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है छः हज़ार और एवरेज कंजम्पशन कितना हो रहा है नौ हज़ार बस ईजली हम फार्मूले पर वैल्यू पुट कर देंगे सबसे पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है री ऑर्डर लेवल री ऑर्डर लेवल के लिए हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम होना चाहिए क्या हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन है हाँ अभी हमने निकाल लिया था ट्वेल्व थाउजेंड और मैक्सिमम लीड टाइम कितना होगा फोर सीधे हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करें देखो यहाँ पे ये यह हमारे पास बारह हजार है बारह हज़ार यूनिट्स और यहाँ ये यह कह रहा है कि फोर वीक्स लगेगा जो लीड टाइम है वो कितने का है फोर वीक्स का तो सिंपली ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फोर कितना हो जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट्स और यही हमारा आएगा रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्लियर मैक्सिमम कंजम्पशन हमने कैलकुलेट करके बताया अब मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो इसके लिए हमें री लेवल चाहिए जो हमने कैलकुलेट कर लिया फार्मूला अगर याद होगा तो एवरेज कंजम्पशन चाहिए और एवरेज लीड टाइम हमने निकाला था थ्री अब क्या करेंगे सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे देखो ये फॉर्मूला है री स्टॉक लेवल अभी हमने आप लोगों के सामने कैलकुलेट किया था फोर्टी एट थाउजेंड एवरेज कंजम्पशन नाइन थाउजेंड यूनिट गिवेन है और एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट किया थ्री वीक्स सिंपली इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो इसका फॉर्मूला भी अगर याद हो तो री लेवल हमने कैलकुलेट किया है प्लस रीऑर्डर क्वान्टिटी दैट इज इ्यू क्वेश्चन में गिवन है सात यूनिट्स और माइनस मिनिमम कंजम्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम तो मिनिमम कंजम्पशन कन्जम्पन हमें पास क्वेश्चन में दिया है हाँ दिया है मिनिमम लीड टाइम दिया है क्या हाँ दिया है बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो देखो ये है रीऑर्डर लेवल फोर्टी एट थाउजेंड अभी हमने निकाला था री ऑर्डर क्वान्टिटी क्वेश्चन में सेवन थाउजेंड दिया है मिनिमम कंजम्पशन दिया है मिनिमम लीड टाइम दिया है बस इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड यूनिट्स नेक्स्ट एवरेज स्टॉक लेवल हम दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट uh, कर सकते हैं कैसे मेरे पास मिनिमम स्टॉक लेवल भी आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी आ गया दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू कर दो या जो फर्स्ट फॉर्मूला था उस उसपे भी हम वैल्यू रख सकते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल जो कि हमने कैलकुलेट किया था ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस हाफ ऑफ ईओ क्यू कितना दिया हुआ है सात इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी ट्वेंटी यूनिट्स और लास्ट है बेटा हमारे पास डेंजर स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल में सिंपली क्या मेरे पास एवरेज कंज़म्पशन दिया है हाँ दिया था क्या मेरे पास मैक्सिमम लीड टाइम दिया है हाँ दिया है फोर वीक्स का तो सिंपली आंसर कितना जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स का क्लियर इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट हमने देखा है क्योंकि आप लोगों को फॉर्मुला ही नहीं याद होता है इसलिए प्रॉब्लम होती है अच्छा बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम स्टॉक लेवल सेम है नो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब कि आप कितना कंजम्प्शन करो एक हफ्ते में पर वीक में मैक्सिमम कंज़म्पशन मतलब जैसे यहाँ पे हमने जो निकाला था ट्वेल्व थाउजेंड कि बारह हजार यूनिट है हर एक हफ्ते में वो बारह हजार का कंज़म्पशन कर रहा है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब जहाँ हम पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं क्लियर तो ये ओवरऑल हमारे पास फर्स्ट मेथड था इन्वेंट्री कंट्रोल का बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स जिसमें हमने सारे फॉर्मुलाज और क्वेश्चंस बता दिया अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं रेशन एनालिसिस यूज करके कैसे करते हैं फिजिकल कंट्रोल करके कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे क्लियर आज का क्लास हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत रिलेवेंट था तो आज की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल स्पेस ले नहीं सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि जब हम एमसीक्यूज़ कराएंगे ना तो वहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं अब अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच